ऑन एयर इंशाल्लाह। जनाब उलमाए कराम हमारे साथ तशरीफ फरमा है इख्तितामी नशिस्त जरा उनके साथ। मेरा इस पर जरा इफ्तार के उसमें थोड़ी सी हम तफसील में बात करने का इरादा है, 4-5 मिनट। लेकिन अभी से इब्तदाई कलमात इस पर फरमा दीजिए कि जिस पर अभी मौलाना इमरान बशीर साहब ने भी कहा, खुश इखलाकी। यानी मैं इस पर इससे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पर लोग कहते हैं कि इतने वसाइल नहीं हैं, ऐसे हालात नहीं हैं, ऐसा ये, इसमें तो कोई पैसे नहीं लगते इस काम में, खुश इखलाकी में। सही बात। इसको बतौर आदत अगर अपनाने की कोशिश करें, बहुत सारे मसाइल मुफ्त में वैसे ही नहीं हल या खत्म हो जाएंगे। तकीमती ऐसी बात है, बल्कि एक खूबसूरत जुमला किसी ने बयान किया, कहते हैं कि जो शख्स सख्त हालात में भी मुस्कुरा रहा हो, इसका मतलब दुनिया की कोई चीज़ उसे तोड़ नहीं सकती। जब इंसान ऐसी कैफियत के अंदर मुब्तला हो और परेशानियों में भी हो, मसाइब के अंदर भी हो, फिर भी हर एक से मुस्कुरा कर खुश अखलाकी के साथ मुजाहरा कर रहा हो, तो वाकई ये दुनिया का कामयाब तरीन शख्स होता है। और खुश अखलाकी ऐसी सिफत है कि जो इंसान को ख़ुद अपनानी पड़ती है, आदत बनानी पड़ती है। बाज़ अफराद ऐसे होते हैं कि जो जिनके मिजाज में नहीं होता, या पेरेंट्स की वजह से नहीं होता, या किसी भी माहौल की वजह से वो खुश अखलाकी सिफत से मुजय्यन नहीं होते, मालिक नहीं होते। हाँ। तो बहरहाल दूसरों को देखकर खुश अखलाकी की आदत पैदा करना ये इंसान के लिए अहम चीज़ है। और सरकार ख़त्म मरतबा रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सारे जाहो जमाल के साथ खुश अखलाकी की जो सिफत थी वो उनके अंदर सर फहरिस्त थी, जिसका जिक्र कुरान करीम ने भी किया कि इन नकल अला खुलुकिन अज़ीम, कि हमने आपको अखलाक के अजीम तरीन मरतबे पर फायज किया है। चुनाचे मौला मुत्तकियान से भी कभी कभार जो है वो मजाक किया करते थे, जब मेरे मौला और मेरे नबी जो है वो दोनों बैठकर खाना तनावुल फरमा रहे थे, तो खजूर खाते जा रहे थे नबी अकरम और गुटलियां जो है वो मौला मुत्तकियान के सामने रखते जा रहे थे। उसके बाद जब सारी गुटलियां जब जमा हो गई तो कहा कि ए अली, तुमने तो सारी खजूरें खा ली, तुमने तो बहुत ज्यादा खजूरें खाई, मैंने तो कुछ भी नहीं खाई। अच्छा। तो कहा कि हुजूर, मैंने तो जो खजूरें खाई हैं उनकी गुटलियां निकाल दी है, आपने जो खाई है उसकी गुटलियां भी नहीं। तो इस तरीके से जो है वो आपस में मजाक की कैफियत हुआ करती थी। अलबत्ता एक बात जरूर है जी जी, कि जब इंसान ज्यादा मजाक करने लगता है तो उसका वकार कम हो जाता है, उसकी शख्सियत जो है वो वैसे बाकी नहीं रहती। तो नबी अकरम जो है वो इस कदर भी ज्यादा मजाक और मिजाह नहीं किया करते थे कि उनके वकार के अंदर कमी वाके हो। लिहाजा इंसान को देखते रहना चाहिए कि मैं खुश अखलाकी अपने मकाम पर करूं, लेकिन बहुत ज्यादा मिजाक और मिजाह ना करूं। मुफ्ती सुहेल साहब, ये सवाल पहले आ चुका है एक दूसरे उनवान से, लेकिन फिर भी बता दीजिएगा कि बच्चों को जिनकी उम्र है तकरीबन 5 से 6 साल, ऐसे बच्चों को मस्जिद में नमाज की तरगीब दिलाने के लिए ले जाना और अव्वलीन सफों में खड़ा करना, काफ़ी मसाजिद होती हैं इनके मुताबिक जहाँ लिखा होता है कि आप इस उम्र से कम बच्चों को मस्जिद में ना लाएं, क्योंकि वो बाकियों को भी डिस्टर्ब करते हैं, इसमें क्या चीज़ ज़्यादा बेहतर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व असहाबिही व बारिक वसल्लम। वसीम भाई, हदीस पाक में है कि कुछ की ममानअत है कि जिनको मस्जिद में ना लाया जाए, यानी ऐसा पागल हो, मजनू हो कि जो आकर किसी चीज़ का ख्याल ना रखे, तहारत का ना किसी, और इसी तरीके से इतने छोटे बच्चे कि जो आकर शरारत करें या पाकी नापाकी का उन्हें पता ही ना हो कि मतलब कोई गंदगी वगैरह हो जाए, तो उनको लाने से मना फरमाया। लेकिन इतने समझदार बच्चे हों कि जो आकर इस तरह खेलते कूदते ना हों, और फिर वालदेन की, ख़ासतौर पर वालिद की जिम्मेदारी है कि उनको समझा बुझा कर लाए, मस्जिद के आदाब से वाकिफ़ करे, तो ऐसे बच्चों को लाने में कोई हर्ज नहीं। बल्कि ये अच्छी बात है कि बचपन ही से मस्जिद की मेहराब व मिंबर की मोहब्बत उनके दिलों में आ जाए। अच्छा, ये एक और सवाल है, अब आप देख लीजिएगा कि चाहे तो इसका जवाब अभी दे दीजिएगा वरना कल वज़ाइफ़ के सेगमेंट में, क्योंकि एक और साहब ने मुझसे कहा था, मैंने आपको बताया भी था कि उनके साहबजादे के साथ है वो जो हम कहते हैं स्पीच डिले का मसला है, बहुत देर से। इसी तरह एक और असदुल्ला भाई हैं, उन्होंने भी ये सवाल पूछा है कि इनकी भी ज़बान में लुकनत है पैदाइशी, तो इसके लिए वजीफा अभी आपके जहन में है तो बता दें वरना कल। स्पीच डिले जो होता है, जिसे लुकनत आमतौर पर कहते हैं कि सही डिलीवर बातों को नहीं कर पाता। देखिए, मूसा अलैहि सलातो सलाम ने बचपन में अंगारा अपने मुंह में रखा था, फिरौन का एक वाकया है पूरा तफसीली, लेकिन उसकी वजह से आपकी जबान अकदस में लुकनत थी। जब फिरौन के पास अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भेजा तो अर्ज की कि या इलाहा अल आलमीन रब्बिश्राह ली सदरी, ए मेरे रब
तू मेरा सीना मेरे लिए खोल दे, वयस्सिली अमरी मेरे लिए तमाम मामलात आसान फरमा, वाहलुल उक्दतम मिन लिसानी मेरी जबान की गिरा खोल दे, यफकहु कौली कि मैं जो बात करूँ वो समझें। तो ये पूरी आयत करीमा रब्बि शाहली सदरी वयस्सिली अमरी वाहलुल उक्दतम मिन लिसानी यफकहु कौली, ये अगर आयत करीमा सुबह पढ़ कर उन पर दम किया जाए या वो खुद पढ़ लें तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला करम फरमाएगा और जबान की लुकनत खत्म हो जाएगी। और क्या ही अच्छा हो कि पानी पर दम करके, आजकल रमजान है तो सहरी में पानी पर दम करके वो पानी उन्हें पिला दें। जज़ाकअल्लाह, बिल्कुल सही। लेंस लगाना आँख में रोजे के दौरान किसी भी तरीके से रोजे की सेहत पर असरअंदाज होता है ये मुफ्ती आमिर साहब? जी नहीं, कोई नजर असरअंदाज नहीं होता, लेंस लगा सकते हैं किसी भी हवाले से। ठीक है, और कभी बहुत प्यास लग रही हो तो अब मुझे नहीं मालूम नफ्सियाती मामला है या फिर फिजिकली इसका असर भी होता है, इस ख्याल से कि मैं अगर सिर्फ ये कुल्ली कर लूँगा दो तीन मरतबा तो कुछ प्यास की शिद्दत कम हो जाएगी, यार पानी अंदर नहीं जाऊँगा लेकिन कुछ शिद्दत कम हो जाएगी, तो ये सोच के कुल्ली कर लेना ये ठीक है या रोज़े को बातिल कर सकता है? रोज़े को तो बातिल नहीं करती है जब तक कि पानी ना उतरे, और बाज़ औक़ात इतनी शिद्दत हो धूप, बाज़ औक़ात हीट स्ट्रोक वगैरह होता है जिसमें मुँह खुश्क हो जाता है, तो ऐसी सूरत में अगर मुंह को तर करने के लिए कुल्ली की, जैसे वुजू में कुल्ली करते हैं जायज़ होता है बल्कि सुन्नत होता है, तो अगर रोज़े को बचाने के लिए और दिक्कत में मुब्तला होने से बचने के लिए ऐसा किया तो जायज़ है। फिक्री एतबार से इसमें कोई दूसरी राय तो नहीं? जाफरिया में सिर्फ ये कि आम हालात के अंदर ये काम करना मकरूह है, यानी काम से परहेज़ किया जाए, लेकिन अगर किसी ने काम किया और उसकी हलक में पानी नहीं उतरा है तो रोज़ा सही रहेगा। ठीक है, मौलाना इमरान बशीर साहब, नमाज बाद जमात इस उनवान से ज़रा मुख्तसर बताइए, कुछ सवालात आए इस बारे में कि वही नमाज मैं घर पे बैठ के पढ़ लूँ अकेले, और या फिर वही नमाज मैं मस्जिद में पढ़ लूँ, दोनों फजीलत के अतबार से कितनी मुख्तलिफ नमाजें हैं? फजीलत भी अपनी जगह मौजूद है और इसके अलावा वईद भी मौजूद है कि जो घरों में नमाज पढ़ते हैं, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे अगर बच्चों का और ख़वातीन का डर ना हो तो मैं ऐसे घरों को आग लगा दूँ, और फजीलत के अतबार से फरमाया कि जो मस्जिद में पढ़ी जाती है वो 27 गुना उससे ज़्यादा अजर व सवाब के अतबार से पहुँच जाती है। अच्छा, और मुआशरती अतबार से भी, यानी मुझे ऐसा लगता है कुछ चीज़ों में गलत हो सकता है कि अक्सर चीज़ें बतौर रस्म तो राइज हो गई हैं, उनका राइज होना अच्छा है लेकिन उनकी जो स्पिरिट है वो जाती रही है, नमाज जमात की स्पिरिट में से एक स्पिरिट क्या ये भी नहीं है कि मोमिनीन मुसलमान मिलें आपस में, मोहब्बतों का फरोग हो, मसाइल डिस्कस हो, जहाँ ये राइज है भी वहाँ मुझे लगता है रस्म शायद ज़्यादा हो गई, और जो स्पिरिट है एक फजीलत और नवाब नमाज के अलावा मुआशरती अतबार से ये इसकी वीक पड़ती जा रही है, ऐसा है आपके ख्याल में? उलमा ने इसलिए लिखा है क्योंकि आप तो पढ़ाते हैं नमाज जुमा, इसलिए मैंने आपसे खास जी उलमा ने इसलिए लिखा है कि इन्नमल बिन नियात, अमाल का दारोमदार नियतों पर है, जो बंदा खाली नमाज पढ़ने की नीयत से जाता है तो उसको इसी का सवाब मिलेगा। सही है, और जो बंदा मरीज की आदत, किसी का कोई मसला है परेशानी है उसको हल करने की नीयत से जाता है तो चाहे किसी का मसला हल हो या ना हो ये इस नीयत से गया, अल्लाह इसको 10 साल के इतकाफ का सवाब अता फरमाए। अल्लाह कोशिश करे नीयत करके जाए, इस अजाइम से जाना चाहिए। हज का भी एक पहलू ये भी है जो उसका फजीलत का और वाजिब पहलू तो है, इसके अलावा एक पहलू ये भी है कि दुनिया भर से मुसलमान आए एक ताल्लुक बने। बिल्कुल ऐसा ही है कि मस्जिद में भी जब इंसान जाता है तो न सिर्फ ये कि मादी मसाइल उसके हल हो रहे होते हैं बल्कि मानवी मसाइल भी हल हो रहे होते हैं, क्योंकि जब जाता है अपने घर के अंदर अगर नमाज पढ़ रहा होता है तो अपने आप को शायद बहुत मुत्तकी परहेज़गार समझता हो कि मैं 5 वक्त का नमाजी हूँ, लेकिन जब मस्जिद पहुँचता है तो देखता है कि कितने ही लोग ऐसे हैं कि जो मुझसे ज़्यादा नमाज पढ़ने वाले हैं, कितने नवाफिल अंजाम दे रहे हैं, कितनों के हाथ बुलंद है दुआएँ कर रहे हैं, कितने लोग सजदे में हैं, कितने लोग मुझसे पहले आ चुके थे, कितने लोग मेरे बाद जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें असरअंदाज होती है उसके ऊपर, उसका किरदार जो है वो ईमानी एतबार से भी मजबूत होता है, और फिर जाहिर सी बात है कि जब मुलाकात होती है तो उसके हाल अहवाल पूछे जाते हैं कि आपके घर में क्या सूरत हाल है, आपके खाने पीने का, आपके रिस्क रोज़ी के क्या मसाइल हैं, और अपनी बातें भी डिस्कस करते हैं, चुनाचे मुसलमान मादी एतबार से मजबूत हो रहा होता है और मानवीय एतबार से भी। सही है, और इसमें अच्छा ये इस ट्रेंड को मुफ्ती सुहेल साहब फरोग चढ़ना पलना चाहिए हमारे मुल्क में भी, ये वेस्ट में तो है कि मस्जिद होती हैं और उन्हीं के साथ या एक ही इहाते में मसलन कम्युनिटी सेंटर्स का कॉन्सेप्ट है वहाँ पे, कि वहाँ पे जिम का सिलसिला भी है तो स्विमिंग भी है तो ये भी है, एक एतबार से अच्छा नहीं कि आप बच्चों, चूंकि इस्लाम हम कहते हैं मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है तो आप बच्चों को एक लिविंग एक अच्छा प्रैक्टिकली लाइफ स्टाइल दें कि बेटा वक्त पर यह नमाज पढ़नी है लेकिन ये तफरी भी अच्छी बात है, ये स्विमिंग भी ज़रूर करो, अच्छा है ऐसी चीज़ों को परवान चढ़ाना चाहिए। मेरा भी मुशाहदा हुआ है बाहर ममालिक में,
यूएसए में ओस्लो में मैंने देखा है कि इस तरह कम्युनिटी सेंटर्स बने हुए होते हैं, बल्कि हर मस्जिद के साथ होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और खास तौर पर वो कहते हैं कि जुम्मे की नमाज में हम सब खाना भी यहाँ पर लाते हैं, अरेंजमेंट होता है, और जुम्मे की नमाज के बाद सब मिलकर खाना खाते हैं। मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर बात कोई और है ही नहीं है। वाह वाह वाह, जबरदस्त। इसको परवान चढ़ाना चाहिए, जज़ाकअल्लाह, जबरदस्त। एक सवाल है, मर्द और औरत जो कि एक दूसरे के महरम है, उनका एक ही कमरे में नमाज पढ़ना साथ, इसमें कोई हर्ज तो नहीं है मुफ्ती आमिर साहब, या है हर्ज? जी हाँ, वो अगर महरम है एक दूसरे के तो फिर पढ़ सकते हैं। सही है, महरम का तो ये मसला नहीं होता। और अगर महरम नहीं है? हाँ, फिर जो है वो एक तो एक कमरे में वैसे ही होना गैर महरम का, मर्द और औरत का। हाँ। तो यहाँ कमरे से मुराद में आता है कभी कभी तीसरा शैतान होता है। जी हाँ जी हाँ, यानी मैं मिसाल के तौर पर कुछ ऑफिसेज वगैरह होती हैं कि जहाँ पर या तो ख़वातीन के लिए नमाज की जगह मुख्तस नहीं होती, या एक ही जगह पर दोनों ने नमाज पढ़नी होती है, तो अक्सर ख़वातीन इस प्रॉब्लम से गुजरती हैं कि अभी मर्द हज़रात नमाज पढ़ रहे हैं, उनके पास यही वक्त है नमाज पढ़ने का। तो एक कमरे से मुराद ये कि एक ही बाउंड्री में जहाँ नमाज पढ़ी जा सकती है। जी हाँ, ऑफिसेज में जैसा कि होता है, तो क्या करें उसमें? अगर एक तरफ मर्द नमाज पढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ ख़वातीन नमाज पढ़ रही हैं, और मर्द आगे की जानिब है, तो कोई हर्ज नहीं होता, कराहत भी नहीं होती है। अच्छा, सही है। वैसे फिकह जाफरिया के हवाले से, फिकह जाफरिया के हवाले से मैं अर्ज करूँ कि नमाज में ज़रूरी है कि मर्द आगे हों और ख़वातीन पीछे हों, ये वाजिब है। अगर दोनों साथ खड़े रह कर नमाज पढ़ रहे हैं और दोनों ने एक साथ नमाज शुरू की थी, एक साथ तकबीर कही थी, तो दोनों की नमाज बातिल है। अच्छा। ज़रूरी है कि मर्द आगे हों, खातून पीछे हों, चाहे दोनों महरम ही क्यों ना हो। मिसाल के तौर पर बेटा भी अगर है तो बेटा भी आगे नमाज पढ़ेगा, माँ अगर है तो वो पीछे नमाज पढ़ेगी। तो एहतराम अपने मकाम पर, लेकिन ये कहा गया है कि मर्द आगे खड़े रहकर नमाज पढ़ें और खातून पीछे रहकर नमाज पढ़े, तो चाहे महरम हो चाहे ना महरम हो, दोनों सूरतों के अंदर ज़रूरी है। ठीक। मौलाना इमरान बशीर साहब, आखिर में हसद के हवाले से बात हुई आज, हसद तो गलत है और उलमा ने बड़ी से बात देखी, रश्क करना किसी की किस्मत, यार क्या बात है यार, क्या बात, या फिर ये कि उससे कदम आ गया, ये इस ख्वाहिश का इजहार होना कि यार उसको इतना अल्लाह ने दिया है मुझे भी दे, उसको इतना कुछ शोहरत दी है मुझे भी दे, ये और हसद, ये तो दो अलग अलग चीज़ है ना, कि ये ख्वाहिश करना है कि इसको ये दिया है अल्लाह मियाँ मुझे भी दे दे, ये तो ये चीज़ हसद के आसपास तो नहीं है? हदीस पाक में आता है कि ला हसद इल्ला फिस्नतैन, कि हसद दो चीज़ों में अल्लाह ने इसकी इजाज़त दी है, एक वो आदमी जिसको अल्लाह ने कुरान की और दीन की दौलत से माला माल फरमाया और दिन रात उसकी तिलावत और उसमें लगा हुआ है, तो देख के हम भी रश करें कि अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, ऐसे ही फरमाया। दूसरा वो आदमी जिसको अल्लाह ने माल अता फरमाया और वो अल्लाह की राह में खर्च करता रहता है गुराबा पे, तो ऐसे बंदे और यानी ऐसे बंदों पे भी यानी ये हसद कर, इसको गिबता भी कहते हैं, रश्क कहते हैं, रश्क का लफ्ज, ये रश्क करना ऐसे लोगों पे जिसको अल्लाह ने माल दिया है या तिलावत की तौफीक दी है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। यानी मतलब ये दो वो मौके हैं कि इस पे ये ख्वाहिश का इजहार करना हसद नहीं कहलाएगा, रश कहलाएगा, ऐसा है? नहीं, हसद ये होता है, किबला ने बिल्कुल सही कहा, हसद ये होता है कि दूसरे की नेमतों को देखकर ये तमन्ना करना कि मौला इससे नेमतें छीन मुझे दे दे। हाँ। ये जायज नहीं है। इसके पास क्यों है? ये जायज नहीं है। रश्क ये है कि उसकी नेमतों को, उसके माल को देखकर, मनसब को देखकर, मौला इसे भी अता फरमा मुझे भी अता फरमा, तो फरमाए कि रश्क जो है वो दो चीज़ों में जायज़ है, जो जिस तरह अल्लामा साहब ने फरमाया। और इसमें एक छोटा सा लतीफ़ा भी कह लें कि इंसान की तबाही कैसे होती है। एक आदमी था तो उसने दुआ मांगी, अल्लाह मुझे सारा कुछ दे, तो ख्वाब में बताया गया कि जो आपको मिलेगा उतना उसको दूसरे आपके दुश्मन को डबल मिलेगा, और करते करते मामला चलता रहा, तो आखिर में आके जब उनका माल इससे दुगना हो गया तो कहने लगे ऐ अल्लाह मुझे मेरी एक आंख ले ले, खुद को काना कर लिया, उसको अंधा बना दिया। एक जुमला कहूंगा, हम आम तौर पर हमेशा दुनियावी मामलात में ऊपर की तरफ देखते हैं, अपने से ऊपर वालों को, सही है ना, नेकियों के मामलात में नहीं देखते। तो बुजुर्ग फरमाते हैं कि दुनियावी मामलात में अपने से नीचे वालों को देखो, अच्छा, नेकियों के मामलात में अपने से ऊपर वाले को देखो। सुभान अल्लाह। बल्कि ये बात जो मुफ्ती सुहेल साहब ने फरमाई है, ये बाकायदा हदीस पाक है, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नेकियों के मामले में तुम अपने से ऊपर वालों को देखो और दुनिया के मामले में अपने से कमतर को देखो। कभी हसद हम दुनिया के मामले में जब बरतर को देखते हैं तो नाशुकरी होती है, लेकिन कमतर को देखेंगे तो हम कहेंगे या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मुझे इससे तो बेहतर बनाया। जैसा कि शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मैं सफ़र में था और सफ़र के दौरान मेरी जूतियां घिस गई थी, तो मैं अपनी जूतियों को देख के कि इतनी फटी हुई जूतियां हैं, इतने में एक बंदे पे नज़र पड़ी जो पैर से माजूर था, तो कहने लगे मुझे फ़ौरन अपने ऊपर एक बरतरी का एहसास हुआ और मैंने शुक्र अदा किया
कि मेरी जूती फटी हुई है, पैर तो सलामत है। तो आज हमारा यही मसला है कि हम दुनियावी मामलात में देखते हैं अपने से बरतर पे, फिर मुकाबले की कोशिश करते हैं, फिर हसद भी पैदा होता है और फिर बेराह रवि का भी शिकार होते हैं। और हसद जो है ना वसीम भाई, मैं सबसे कहूँगा कि इससे इज्तनाब करें कि ये नेकियों को तबाह बर्बाद कर देता है, या कुलुल हसनात कि नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग लकड़ियों को खा जाती है। अल्लाह जजाकल्ला, बहुत नवाजिश मुफ्ती आमिर साहब, मुफ्ती सुहेल साहब, तकी मैदवी साहब, मौलाना रशीद, बहुत बहुत शुक्रिया। शेख सादी की हिकायत जो बताई शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की मौलाना मुफ्ती आमिर साहब ने, मुझे ऐसा लगता है कि आम जिंदगी में भी ऐसी बहुत सारी मिसालें हमें मिल सकती हैं। मेरा ज़ाती मुशाहदे का वाकया है कि जब सैलाब ज़दा इलाकों से मुतासर इलाकों में मैं गया हूँ, तो अक्सर अल्लाह माफ़ करे, लेकिन अक्सर कभी हम सोचते हैं कि यार ये सहूलत नहीं है, आज खाने में ये डिश मिली, वो खाने का मूड था। उस एक वाक़े के बाद से मैं कभी इस तरह का सोचता हूँ, इंसान है, ख़ताकार है, तो मुझे बड़ी लेकिन शर्मिंदगी महसूस होती है कि हमारी ज़िंदगी के मसाइल अलग हैं, लोगों के मसाइल ही अलग हैं। वहाँ मैंने लोगों को पीने के साफ पानी के लिए जिस तरीके से तरसते हुए देखा है, तो इंसान सोचता है कि हमारे तो मसाइल ही और हैं। तो फिर यानी इस तरह की हिकायात से हम रोज़मर्रा की बुनियाद पर भी बहुत सारे सबक हासिल कर सकते हैं इंशाअल्लाह, बशर्ते सेहत, बशर्ते ज़िंदगी। दोपहर 2:30 पर शबे आप 24 रमज़ान मुबारक, फिर आज की रात होगी शबे 25 जिसमें पूरी रात महफिल होगी इंशाल्लाह। 24 रमज़ान मुबारक के इफ्तार के नशरिए में 2:30 पर आप सबसे होगी मुलाकात, बशर्ते सेहत और ज़िंदगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर। बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूँ सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना।